हेलो गाइस, वेलकम टू बर्न आउट। तो आज हम बात करने वाले हैं XUV500 की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और जो हमारे पास इसका वेरिएंट है वो W7 वेरिएंट है। तो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ बर्न आउट के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली को बड़ा करें और हमें प्यार दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके इंजन बे से। तो अगर हम इसके इंजन बे से शुरू करें, इंजन बे काफ़ी हैवी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इंसुलेशन दी गई है काफ़ी अच्छे से। ये इसलिए दी जाती है कि कार की नॉइज़ कम हो और इंजन को ठंडा रखे, गर्म ना करे। और जो आप इंजन देख सकते हैं, एमोक का इंजन है महिंद्रा का, जो महिंद्रा खुद मैन्युफैक्चर करता है। 2200 cc का इंजन है, काफ़ी पैक्ड है। आप देख सकते हैं हर चीज़ अच्छे से प्लेस करी गई है। और तो अब हम आते हैं इसकी लाइट्स पे। आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, हमें इसमें हाइलोजन बल्ब मिलता है और यहाँ प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। साथ में हमें यहाँ टर्न इंडिकेटर्स हैं। अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो हमें यहाँ फॉग लैंप्स नहीं मिलते, हमें एक्सेसरी से लगवाने पड़ेंगे महिंद्रा से। और आप अगर ग्रिल की बात करें तो अगर आप ग्रिल देखेंगे तो यहाँ महिंद्रा की बैजिंग है और ग्रिल पर क्रोम फिनिशिंग है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, जो इसकी लुक इन्हांस कर रही है और ब्लैक कलर में इसको काफ़ी सुंदर बना रही है। तो जो कार की लेंथ है वो 45-85 mm कार की लेंथ है। तो जो कार का टायर साइज़ है वो आप देख सकते हैं 235/65 R17, हमें 17 इंचेस टायर मिलते हैं। हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है और रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं स्टील टायर है, हमें इसमें व्हील कवर लगाना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो अलॉयज हमें बाहर से कराने पड़ेंगे, महिंद्रा से भी करा सकते हैं एक्सेसरीज़ में से इनकी। और यहाँ ORVMs आप देख सकते हैं, हमें इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और यहाँ पे हमें सेंसर्स भी दी गए हैं को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड एज वेल। तो अगर हम इसकी बैक पे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें ब्रेक लाइट मिलती है, साथ में हमें रियर वाइपर मिलता है और यहाँ पे लाइट्स जो अच्छे से प्लेस करी गई है जो इसकी लुक इन्हांस करता है। और यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग है और यहाँ पे XUV500 की बैजिंग और यहाँ पे जो वेरिएंट मैं आपको बता रहा था W7 ऑटोमेटिक। और यहाँ पे हमें कैमरा नहीं मिलता, हमें सेंसर्स मिलते हैं चार, आप देख सकते हैं ब्लैक सेंसर्स। और अगर हम इसकी बूट स्पेस पे आएंगे तो बूट स्पेस जो है वो 460 लीटर्स की बूट स्पेस है। यहाँ पे हमारे को टूल किट मिलती है जिसका कवर ये है और हम ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। जिसका एक्स्ट्रा व्हील है वो हमें नीचे मिलता है थर्ड रो में, बेसिकली कोई बैठ नहीं सकता, काफ़ी बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़ों को प्रॉब्लम होती है। ये अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे AC वेंट्स दी गए हैं और हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पॉकेट स्टोरेज है और यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है दोनों साइड। तो अब हम आएंगे इसके रियर कंफर्ट पे। आइए, सिल्वर फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे अप एंड डाउन के लिए विंडोज़। और हमें चार स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस दी गई है जहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है। तो अब हम आएंगे इसके कम्फर्ट पर। तो अगर हम आएंगे इसके रियर कंफर्ट पे, तो रियर कंफर्ट में मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि जो इसकी सीट्स है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लेग रूम है, लेग रूम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्पेस है, मैं आराम से अपनी लेग मूव कर सकता हूँ, कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, हेडरेस्ट आप देख सकते हैं एडजस्टेबल है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट भी मिलता है बट वो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हेडरेस्ट के लिए ये है दिया। और पर्सनली जो मुझे इसका कंफर्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, बट महिंद्रा इसमें और थोड़ी कुशनिंग दे सकती थी। ये थोड़ा हार्ड है, हाई स्पीड्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा जर्क फील होगा। तो अब हम आएंगे इसके फ्रंट डोर पे एंड ड्राइविंग सीट पे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन फिनिशिंग दी गई है जो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सिल्वर डोर हैंडल्स एंड यहाँ पे कंट्रोल्स विंडोज़ के, एंड यहाँ से हम साइड मिरर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं बट ऑटो फोल्डेबल नहीं है इस मॉडल में। तो अगर हम आएंगे इसके इंटीरियर पे, इंटीरियर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है बट इसको थोड़ा बेटर कर सकती थी महिंद्रा। ऑल ब्लैक दिया है, ये सबसे अच्छी बात है जो इसकी लुक इन्हांस कर रहा है और सीट कवर्स के साथ बिल्कुल मैचिंग है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें PRND है और M है,
जिसमें मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम प्लस माइनस यहाँ पे एक हल्का सा बटन दिया गया है, अगर हम फ्रंट पे करेंगे तो प्लस है, बैक में करेंगे तो माइनस है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग पे आप देख सकते हैं हमें स्टेयरिंग कंट्रोल मिलता है, लेदर रैप नहीं मिलता कि लॉन्ग ड्राइव्स पे आपका हैंड स्लिप हो सकता है इस पे। और क्रूज़ कंट्रोल की भी ऑप्शन दी गई है, रीसेट, प्लस माइनस एंड वॉल्यूम के बटन्स एंड कॉल डिक्लाइन एंड एक्सेप्ट के लिए सोर्सेस, कि हम यहाँ से स्क्रीन भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका। अगर आप, मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 7 inches का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है विद 4 speakers, जो एंड्रॉयड ऑटो है और एप्पल कारप्ले है हमें मिलता। हम स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। दिस इज़ द USB पोर्ट एंड ये ऑक्स के लिए। यहाँ पे AC कंट्रोल्स दिए गए हैं प्रॉपर, सबसे अच्छी बात है ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है, साथ में हमें सिल्वर फिनिशिंग मिलती है साइड में, जो इसकी लुक इन्हांस कर रही है। और यहाँ पे हजार्ड लाइट्स, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ESP ऑफ एंड दिस इज फॉर हेडलाइट्स। यहाँ पे पुश बटन, जैसे मैंने आपको बताया पुश बटन स्टार्ट है कार, और हैंड ब्रेक इसकी थोड़ी स्टाइलिश है, आप देख सकते हैं कि सब में स्ट्रेट होती है, इसकी थोड़ी राइट साइड को है जिससे आपको सही फील होगा। और यहाँ पे 2 cup holder जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट में हमें 2 storage spaces मिलती है। फर्स्ट इज़ दिस, कि हमें कोई भी अपना छोटा मोटा सामान रखना हो, एंड सेकेंड इज़ दिस वन, जो काफ़ी ह्यूज है अगर मैं बात करूँ तो। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये ऑन हो जाएगा इसका चिलर, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो, अगर मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। ये इसलिए दिया गया कि काफ़ी जो बॉटल्स है और वो सब है वो काफ़ी अच्छे से प्लेस हो और हिले ना। यहाँ पे भी हमें 2 storage spaces दी गई हैं, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड, काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी थोड़ी सी ये ह्यूज है। यहाँ पे भी हमें स्टोरेज स्पेस दी गई है, आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर के लिए या किसी भी अपना सामान के लिए, फ़ोन के लिए बेसिकली। और अगर मैं आऊँ इसके सनवाइजर्स पे, सनवाइजर्स में हमें सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, हमें वैनिटी मतलब मिरर्स नहीं मिलते, एंड यहाँ पे सेम है, हमें सिर्फ मिरर मिलता है जो यहाँ से स्लाइड करना पड़ता है, और बट हमें लाइट्स नहीं मिलती। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरेज स्पेस और सनग्लास होल्डर की, हमें यहाँ पे भी दी गई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस दी गई हैं इस कार के अंदर। और यहाँ पे हमें ये इसलिए दिया गया है कि हम पीछे का मिरर भी देख सकते हैं और हमें पूरा विजन होगा इसमें कि पीछे कौन कौन बैठा है या क्या है। और ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको रात के टाइम पे। और यहाँ पे हम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, LED वाइट लाइट्स है और एम्बिएंट लाइटिंग के लिए दिया गया ये। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे को डोर हैंडल नहीं है, को ड्राइवर साइड हमें मिलता है। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो हमें इसमें 2 airbags मिलते हैं, 2 airbags, क्रैश कंट्रोल, EBS, EBD, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट एंड ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जो कार प्रोड्यूस करती है वो 152 BHP प्रोड्यूस करती है एट 3500 RPM। तो जो कार का टॉर्क है वो 360 Nm का टॉर्क है एट 2500 RPM। तो जो कार ऑटोमेटिक में एवरेज आप सोच ही रहे होंगे, तो जो इसकी एवरेज है वो कंपनी क्लेम करती है 15, बट जो कस्टमर फीडबैक है, वैसे तो आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है, बट कस्टमर फीडबैक है इसका 10 या 11, और हाईवेज पे ये 12 भी दे देती है आराम से अगर आप चलाएं तो। बट पर्सनली मैं बोलूँगा कि महिंद्रा का अगर आपको लेना है XUV500 तो आप मैनुअली ही लीजिए, क्योंकि वो चलने में अच्छी है, ग्रिपिंग भी अच्छी है उसकी, हर चीज़ अच्छी है। ऑटोमेटिक आप तब ले सकते हैं कि अगर आपको सिटी में ज़्यादा ड्राइविंग है, हाईवेज पे नहीं है, क्योंकि वो कंफर्ट और फील के हिसाब से होता है। और चलने में भी गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है गाड़ी, इतनी देर से हम बैठे हैं। जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 70 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं हम कोई भी किसी भी कार पर वीडियो बनाएं तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी अपनी कार फीचर करानी है बर्नआउट के चैनल पे, तो आप कर सकते हैं, या आप भाइयों का ही, बहनों का ही चैनल है तो आप कर लें। थैंक यू।